आइए और जानकारी लेते हैं कि हमारे बीच में आशा वर्कर बहुत तादाद के अंदर आए हैं, जो यहाँ पर जो पार्लियामेंट स्ट्रीट है बहुत तादाद के अंदर आशा वर्कर पूरे भारतवर्ष से आए हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगें क्या हैं, किन मांगों को लेकर यहाँ इकट्ठा हुई हैं। मैडम आपका नाम? मैं हेमलता। हेमलता जी आप कहाँ से आई हैं? यूपी मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट। तो आपकी क्या मांगें, किन मांगों को लेकर आई हैं? तो आशा वर्कर और आशा बहुत अरसे से धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन आप लोगों की समस्या नहीं सुनी गई है। जी क्या आपकी समस्या क्या है? जी हमारी तो कई ठो समस्या है। पहले तो हमें राज्य कर्मचारी घोषित करे सरकार। अगर राज्य कर्मचारी नहीं घोषित कर रहा है, तब तक हमें मानदेय के रूप में आशा वर्कर्स को 18,000 रुपये मानदेय दिया जाए महीने में, आशा संगिनी बहनों को 25,000 रुपये मानदेय के रूप में दिया जाए, और हम लोगों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए, और दुर्घटना बीमा 5,00,000 रुपये की होनी चाहिए। हमारी बहनें रात दिन एक करके मरीज को हॉस्पिटल तक पहुँचाती हैं, सेवा करती हैं दूसरे का, उनकी दुर्घटना हो जाती है, किसी भी प्रकार की उनके साथ उनकी क्षति हो जाती है, इसके लिए सरकार एक रुपया भी नहीं तय की है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बहनों को 5,00,000 रुपये का बीमा किया जाए, उनको साल में 2 ड्रेस दिया जाए, उनकी एक पहचान बनी रहे, और हमारी बहनों को रहने के लिए पूरे देश में, हमारी बहनें रात में डिलीवरी लेकर जाती हैं तो बहुत परेशान हो जाती हैं, उनको सड़क पर रहना पड़ता है, हॉस्पिटल में ऐसे ही पड़ा रहने दिए जाते हैं, डॉक्टर नहीं सुनते हैं, एनएम नहीं सुनती हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं करता है, जबकि स्वास्थ्य विभाग कहता है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है आशा बहनें, लेकिन देने के नाम पर ना हमारी सरकार सोच रही है ना हमारा विभाग सोच रहा है। हम मोदी सरकार से यही कहना चाहेंगे, हमारे पूरे देश की आशा वर्कर्स को और आशा संगिनी वर्कर्स को राज्य कर्मचारी घोषित करे, अन्यथा हम लोग पूरे देश की आशा वर्कर्स और आशा संगिनी वर्कर्स सड़क पर आ जाएंगे, अंजल त्याग कर हम हड़ताल करेंगे, और आने वाले समय में 2019 में सरकार को गिरा कर रहेंगे अगर हमारी बात सरकार नहीं मानती है। हमने बीजेपी सरकार को इसीलिए बनाया कि हमारी भी मांग पूरा करेगी, लेकिन बीजेपी सरकार हमारी मांग नहीं पूरा कर रही है। आज तक हम मोदी मोदी नारा लगाते हैं, लेकिन मोदी जी हम लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचे हैं, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा, हम रात दिन एक करते हैं दूसरे के लिए, और हमारे लिए सरकार नहीं सोचती है, जबकि यहाँ तक ये जो पूरी दुनिया चल रही है, जो पुरुष महिला जो भी हैं, माँ गर्भवती होती है, बच्चे को पैदा करती है, उसका पूरा सेवा हमारी बहनें करती हैं, टीकाकरण करवाती हैं, गर्भवती से लेकर बच्चा पैदा होता है, जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता है तब तक पूरी सुरक्षा करती है आशा बहनें, आशा संगिनी बहनें, और जब बच्चा किशोरावस्था में आता है तो उसकी भी सेवा करती हैं, उनको आयरन की गोली खिलाना, ऐसे सारी दुनियादारी स्वास्थ्य विभाग कहता है रीढ़ की हड्डी है, लेकिन देने के नाम पर सरकार एक पैसा नहीं दे रही है। हम आप लोगों से, मीडिया वालों से यही निवेदन करेंगे कि सरकार को हमारी बात पहुँचाए, हमारी मांग को पूरा करे। मोदी सरकार और यूपी सरकार एक तरफ ये कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके बावजूद फिर आपने बोला कि स्वास्थ्य मंत्रालय या स्वास्थ्य विभाग के सारे लोग ये कहते हैं कि आशा वर्कर रीढ़ की हड्डी हैं, फिर आपको ये इतना जलील क्यों किया जाता है? यही तो हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि रीढ़ की हड्डी है फिर भी उनको इतना जलील किया जाता है, पैसे के नाम पर एक पैसा नहीं दिया जाता है, जितना वर्क करती है कमीशन देती है सरकार, अगर नहीं की तो पूरा अपना समय लगाती है अपने काम में, और उनको कोई मानदेय फिक्स नहीं है। हम सरकार से यही कहना चाहेंगे, आप मीडिया बंधुओं से, कि हमारी बात सरकार तक पहुंचाएं, हमें फिक्स मानदेय के रूप में दे, अगर जब तक सरकारी नहीं घोषित कर रहा है फिक्स मानदेय 18,000 रुपये प्रति आशा महीने में, और संगिनी बहनों को 25,000। और एक बड़ी बात है, जो हमारी पढ़ी लिखी शिक्षित अच्छी बहनें हैं उनके लिए एनएम पद के लिए वरीयता दिया जाए, बाहर से एनएम नहीं रखी जाए, पहले उनको वरीयता दिया जाए, बाद में अगर पढ़ी लिखी नहीं है उस हिसाब से वो अपना अलग से रखें। मैडम जब आप रात बरात में, जैसे आपने बताया कि जो प्रेग्नेंट महिला होती है तो रात को भी फ़ोन आ जाता है, तो आप उनके साथ जाते हैं, तो फिर उस समय आपके बच्चे और आपके परिवार और आपके हस्बैंड का आपके साथ में कैसा व्यवहार रहता है? देखिए अगर हमारे हस्बैंड हमारे बच्चे समाज सेवा के लिए अगर निकाले हैं तो वो भी पूरा सहयोग करते हैं कि जाओ एक गर्भवती माँ को बचाना, गर्भवती माँ की ज़िंदगी और बच्चे की ज़िंदगी दोनों तुम्हारे हाथ में है, अगर समय से हॉस्पिटल नहीं पहुँचोगी पता नहीं हो सकता है उसके साथ क्या हो सकता है, उसकी जान की खतरा रहती है, इसलिए घर वाले पूरा तैयार रहते हैं, 12 बजे रात जब भी ज़रूरत पड़ती है हम खाना बनाते हैं, खाना छोड़ के हमारे बच्चे खा नहीं पाते हैं, हम चले जाते हैं हॉस्पिटल केवल माँ बच्चे के बचाने के लिए। जन्म मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर आज देश में सबसे ज़्यादा कमी आई है, किसकी वजह से? हमारी आशा वर्कर्स
ऐसा हमारी संगिनी बहनों की वजह से आई है। तो सरकार से यही हम बार बार पूछेंगे कि सरकार हमारे लिए क्यों कान में तेल डालकर बैठी है, हमारी मांग को क्यों नहीं सुन रही है। अगर हम सड़क पर आ जाएंगे जिस दिन, तो ये जो जन्म मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर कम हुआ है, फिर से वही हो जाएगा जो पहले से चला आ रहा है। इतिहास गवाह है इसका। धन्यवाद।